हाय एवरीवन, मैं हूं अंशु और मेरे यूट्यूब चैनल फूडी फॉर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी इंस्टेंट सैंडविच बनाने की रेसिपी। सुबह की भागदौड़ हो या फिर कभी कुछ सिंपल हेल्दी एंड टेस्टी खाने का मन करे तो आप यह सैंडविच ज़रूर ट्राई करें, जिसको बनाने में आपको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। यह सैंडविच बनाने के लिए यहाँ मैंने खीरा, प्याज और टमाटर तीनों को फाइन चॉप कर लिया है। अभी हम इन सभी को एक मिक्सिंग बोल में डाल लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और फिर हम इसमें फाइन चॉप की हुई थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे। सभी को कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और फिर हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो ये लीजिए, हमारे सैंडविच की बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग रेडी है। तो चलिए अब हम अपने सैंडविच बना लेते हैं। तो ये सैंडविच बनाने के लिए मैं यहाँ होल व्हीट ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड पर ग्रीन चटनी लगाएंगे। तो ये चटनी बनाने की रेसिपी मैं वीडियो के एंड में दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चटनी को ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। चटनी लगाने के बाद अभी हम अच्छी तरह से इस पर स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग के ऊपर अभी हम रख देंगे चीज स्लाइस। तो आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं, अगर चीज नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीज स्लाइस के ऊपर अभी हम दूसरी ब्रेड रख देंगे। तो सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। अब आप चाहे तो इसको ग्रिल कर लें या फिर थोड़ा बटर लगाकर इनको तवे पर सेक लें। मैं यहाँ इनको तवे पर सेक रही हूँ, जिसके लिए मैंने तवे पर थोड़ा बटर लगा दिया है। अभी हम इसके ऊपर अपने सैंडविच रख देंगे। सैंडविच के ऊपर भी थोड़ा बटर लगा देंगे और इनको पलट कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर आप इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर सेकेंगे तो सैंडविच काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये लीजिए, आपके बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी एंड चीज़ी सैंडविच रेडी हैं। सैंडविच को सेकने के बाद अभी मैं आपको एक सैंडविच कट करके दिखाती हूँ कि कितने चीज़ी और क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखिए, लग रहे हैं ना एकदम मज़ेदार, चीज़ भी काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो सैंडविच हमारे रेडी हो गए हैं। अभी हम बना लेते हैं धनिया की चटनी। तो जिसके लिए मैंने एक हरे धनिया को काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन और वॉश कर लिया है। अभी हम इसको एक ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें, 1 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप लेमन जूस का यूज़ भी कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे और फिर हम इसमें थोड़ा पानी डाल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, आपके सैंडविच के साथ के लिए स्पाइसी एंड टेस्टी चटनी तैयार है। अब इसको हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, आपके धनिया की टेस्टी एंड स्पाइसी चटनी और मज़ेदार सैंडविच रेडी हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।